and you're watching me on zoom and over the couple of years i've had the pleasure of interviewing so many celebrities and today' is even more special because we have a very very special Special guest joining from the beautiful city of Lahore, Pakistan. Uh, the gorgeous, the beautiful, accomplished Roma Michael, who has been crowned as Miss Grand Pakistan 2023 and Miss Grand Pakistan 2024, and has also walked the ramp for an international beauty pageant, has worked for many Pakistani dramas and films as well. And it's an absolute honor because we have Miss Roma Michael with us joining on Zoom. Hi, Roma. Hi, how are you?

रोमा hmm. uh, मैंने आपके आपका पूरा इंस्टाग्राम देखा आपके कई वीडियोस मैंने देखे आई लव योर कॉन्फिडेंस एंड आई लव व्हाट यू डूइंग आई मीन सो मेनी वुमेन आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय यू तो सबसे पहले आई वांट टू नो दैट आप बीटेक ग्रेजुएट है आप एक इंजीनियर है राइट right? इंजीनियर नहीं हो बट हाँ डिड बीटेक hmm. और उसके बाद मैंने क्योंकि मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी तो फिर मैंने स्टडीज hmm. को कंटिन्यू नहीं किया है एम बी ए और सम मास्टर में कुछ करूँ लेकिन मैंने नहीं किया मैं अच्छा, तो कि, uh, like, पाकिस्तानी ड्रामा भी कर रही है तो हुँ। आपने दुबई फैशन शो के लिए कैन फैशन शो के लिए भी कैन फैशन वीक के लिए आपने वॉक किया हुआ ये पूरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई सो आई स्टार्ट एज अ मॉडल इन टू थाउजेंड फोर्टीन और मैं एक एन के साथ जॉब करी थी एज अ इंटर्न तो मुझे वहां पे उन्होंने बोला कि मैं मॉडल की तरह दिखती हूँ और मुझे अगर शौक है मॉडलिंग का तो मैं उनके मैगजीन उनका एक मैगजीन था उसके लिए वो, उन्होंने मुझे शूट के लिए पूछा फिर मैंने फर्स्ट टाइम वो शूट किया था देन मैंने एक फैशन शो के लिए ऑडिशन दिया और मुझे तब बिल्कुल पता नहीं था कि मॉडलिंग में कैसे जाना है और कैसे करना है स्टार्ट पर वहां पे क्योंकि मुझे शौक था शुरू से और मैं सोचती थी कि मैं बड़ी होके मॉडल बनूंगी और एक्ट्रेस बनूंगी <laughs> तो मैंने वहां पे ऑडिशन दिए और मैंने वो शो किया वहां से लोगों ने कांटेक्ट किया कि आपकी हैं और आप हमारी एजेंसी ज्वाइन करें हम आपको काम करवाएंगे इस तरह करते करते मैंने एज अ मॉडल स्टार्ट किया मैंने इट्स लाइक इन मॉडलिंग और hmm. फिर मुझे एक्टिंग का शौक था लेकिन मैं एक्टिंग में अभी आई नहीं थी और मैं कैमरा शाई थी मुझे इंटरव्यूज देना और मुझे मुझे एक्टिंग आती नहीं थी और मुझे पता नहीं था कि एक्टिंग कैसे करते हैं तो मैंने कभी ऑडिशन नहीं दिया और मैंने ट्राई नहीं किया लेकिन दो तीन साल पहले मैंने मैं एक शूट पे ही थी एक्चुअली और वो अंदरून शहर में हमारे हवेली थी एक पुरानी उसके अंदर शूट चल रहा था और ट्रेडिशनल आउटफिट पहना हुआ था उधर वहां पे एक फिल्म के सेट के लिए दिल्ली गेट एक फिल्म बन रही थी yeah. और उसके लिए Uh, वो वहां पे आए थे लोकेशन फाइनल करने के लिए तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि हमें जो uh, हमारी एक मेन लीड हीरोइन है उनकी आपके जैसी चाहिए तो वो आ, हमें उसके लिए अच्छी लग रही है तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हम उसके बारे में बात कर लेते हैं फिल्म में एंड आई वॉज लाइक हाँ मुझे एक्टिंग तो करनी है तो मैं सोच लेती हूँ फिर मैंने उनसे मीटिंग की उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया ऑडिशन लिया मैं सिलेक्ट हो गई फिर मैंने उस, <laughs> वो मेरा डेब्यू था दिल्ली गेट मैंने वहां से एक्टिंग स्टार्ट की फिर मैंने एक ड्रामा किया फिर मैंने फिल्म की और मेरा ये इट्स प्रोजेक्ट इन टू एक्टिंग अभी मेरा इकतदार ऑनियर है वो बहुत अच्छा जा रहा है लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और पेजेंट्स में पेजेंट में मैं इस तरह से गई कि मॉडलिंग में कर रही थी और मुझे शुरू से इंटरनेशनल शौक था कि मुझे इंटरनेशनली कुछ करना है और मिस यूनिवर्स में मुझे जाना था बचपन से जाना था लेकिन हमारे कभी पाकिस्तान से कोई लड़की नहीं गई पेजेंट में और मिस यूनिवर्स में हमारे पास ऑपरचुनिटीज़ नहीं है यहाँ पे पेजेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और यहाँ पे नेशनल पेजेंट भी नहीं होता और नेशनल डायरेक्टर्स भी नहीं है जो आपको रिप्रेजेंट करें तो हुँ. मुझे मैंने मिस वीट में पार्टिसिपेट किया था एक हमारा शो था टीवी शो था टू में वहां से कोई फैन था मेरा वो मुझे टैग करता था इंस्टाग्राम पे कि मुझे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहिए मिस यूनिवर्स में और मैं सोचती थी कि पॉसिबल ही नहीं है कैसे जा सकती हूँ मैंने ऑनलाइन काफी दफा चेक किया था बट मुझे मुझे प्रॉपर वे नहीं मिला उसका कि किस तरह से जाना फिर मुझे उसने बोला एक मिस शाम इंटरनेशनल हो रहा है वहां पर अप्लाई करें मैं सोची थी कि ये कोई फेक ना हो और मुझे पता नहीं है लेकिन मैंने प्रोफाइल भेज दी उन्होंने मुझे फाइनल किया सारा प्रोसीजर हुआ शूट्स किए और मैं फर्स्ट टाइम मिस शाम इंटरनेशनल के लिए गई थी टू 2023 में इट वाज इन वियतनाम और वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ और मतलब उसके बाद मैंने सोचा मैं मिस यूनिवर्स के लिए अब जाऊंगी उसके बाद मिस यूनिवर्स की फ्रेंचाइज बाय की जो शो करने और वो फिलिपिनो है और तब मेरे कुछ रिजन थे तो मैं मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई मैं बिजी थी मेरे पास डेट्स नहीं थी और मैं एक साल के लिए बाउंड नहीं हो सकती थी मुझे तीन दफा उन्होंने कॉन्टेक्ट किया बट वो मेरा मिस हो गया और फिर मैं सोच रही थी कि मिस यूनिवर्स मिस हो गया मुझे कुछ और करना है तो दुबई फैशन वीक भी मैंने इसी तरह किया था मैंने ऑनलाइन अप्लाई कियाती है और मैं ट्रैवल करती रहती हूँ तो मैंने शो के लिए ऑडिशंस दिए थे और मैं सिलेक्ट हो गई मैंने पिक्स इंटरनेशनल फैशन वीक किया था पेरिस इंटरनेशनल फैशन वीक किया और अभी मिस क्रांड के लिए भी मैंने इसी तरह अपनी प्रोफाइल भेजी थी क्योंकि हमारे यहाँ पे पैटर्न नहीं होता कि यहाँ से विनर बनेगी और वो जाएगी तो मिस ग्रांड में जो पहली दो कंटेस्टेंट गई थी वो यूएस नेशनल है वो हाफ पाकिस्तान है अपनी प्रोफाइल शेयर की उन्होंने फाइनल किया और सब चीजें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ और फिर मैंने शूट्स और ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई उसके लिए गई और मुझे पता था कि स्विम सूट राउंड है वहां पे और मैंने मिस शाम में भी पहना था लेकिन वो मैंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं किया था क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है लेकिन वो मेरा काम है और मैं उसको अपने काम की तरह रहती हूँ और सब लड़कियां सेम स्वयं सूट में उनका एक राउंड है ब्यूटी hmm. पेजेंट में होता है एक राउंड के स्वयं सूट वाला राउंड है और इवनिंग गाउन है नेशनल कॉस्ट्यूम है तो मैंने वैसे उनसे बोला था कि स्का्फ भी देते बट उन्होंने नहीं दिया <laughs> तो आई वॉज ओके विद दैट इट माई वर्क आई वॉज अ वर्क तो मैंने इतना बॉडर नहीं किया

हमारा कल्चर भी डिफरेंट है तो जो बाकी कंटेस्टेंट है वो काफी स्ट्रांग थी और उनके कॉस्ट्यूम्स और उनकी चीजें उनकी पूरी टीम है और कंट्री से उनके नेशनल कॉस्ट्यूम्स इतने ग्रैंड ग्रैंड बन के आते हैं हमारे यहाँ पे तो वैसा कुछ नहीं बनता लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट की कि मैं अपना बेस्ट दू और आई थिंक मैंने अपना बेस्ट दिया था एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एब्सिल और दैट्स द रीजन आज हम आपसे भी बात कर रहे हैं बिकॉज हमें भी बहुत अच्छा लगा एंड कंसिडरिंग अगेन पाकिस्तान द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन जिसने इंटरनेशनली uh, रिप्रेजेंट uh, किया है अपने मुल्क को अपने देश को एंड साथ साथ मतलब कितने लोगों की नजर आप पे गई और उसके अलावा सबसे पहले मुझे लगता है कि जब भी यू नो एज अ वुमन जब हम कुछ चीज नहीं करते हैं mm -hmm. तो हमारे घर वालों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है तो आपकी इस करियर जर्नी में जब आपने अपने घर वालों को अपने पेरेंट्स को बताया उनका कितना सपोर्ट आपको मिला हाउ सपोर्टिव दे ऑफ यू वॉकिंग फॉर एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म My फैमिली इज वेरी सपोर्टिव वेरी सपोर्टिव मतलब हमेशा शुरू से मेरी बहनें मॉम और वो मुझे अप्रिशिएट करती हैं और वो खुश होती हैं और उनको पता था और वो वो तब खुश नहीं है जब मैं काम नहीं कर रही हूँ जब मैं काम कर रही हूँ दे, दे आर वेरी हैप्पी उनको पता था मैंने उनको बताया कि मैं इंटरनेशनली जा रही हूँ वो उन्होंने मेरी हर चीज में हेल्प की मेरे कॉस्ट्यूम चीजों में डिसाइड करना ट्रैवलिंग बट बताया तो, था कि ट्रेवलिंग राउंड होगा तो ऐसी कोई बात नहीं इट इट देन माय सिस्टर्स वर लाइक तुम्हें शायद नहीं करना चाहिए प्रॉब्लम होगा लोग पसंद नहीं करेंगे हेट मिलेगा क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है और तुम ड्रामास भी कर रही हो तो मैंने मैंने उनको बोला था कि मैं इंटरनेशनली कर रही हूँ और वहां पे सब लड़कियां सेम स्विम सूट में होंगी तो मैं अकेली नहीं हूँ कि मैं सिर्फ मैं स्विम सूट पहन के वॉक कर रही हूँ तो और वो वो बाहर के लोगों के लिए नॉर्मल है बीचेस पे हर जगह स्विम सूट में ही रहते हैं यहाँ के लिए नॉर्मल नहीं है लेकिन मुझे लगता है मेरी थिंकिंग भी थोड़ी डिफरेंट है मैं मैं इस तरह से नहीं सोचती हूँ और मैं काम को काम की तरह ले रही हूँ और मेरे लिए कपड़े और इस तरह ज्यादा मैटर नहीं करते कि छोटे कपड़े पहने हैं तो ये खराब बात है तो so तो mm -hmm. मैं मैं नहीं नहीं करती स्विम सूट so भी मेरे मेरे लिए लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी. वो मेरे लिए बात थी थी वो नॉर्मल और मैं उसको काम और उसको काम शो का पार्ट कर रही थी तो mm -hmm. so मेरी बहनों को पता था मामा को भी पता था और बैटल इज वन अगेन योर स्विम सूट राउंड या आपने पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया इतने अच्छे तरीके से एंड योर वॉक योर लुक्स एंड एवरी थिंग बिकेम्स ओ विजिबल और कई सारे लोगों ने आपको सपोर्ट किया। you, एक था जिसने आपको ट्रोल भी किया रिएक्शन तो था like, डिलीट किया fact, तो आपको लगा कि, मतलब क्या नहीं करना चाहिए था स्विमवेयर पहनना चाहिए था नहीं पहनना चाहिए था हाउ वट वॉज योर पॉइंट ऑफ व्यू बिहाइंड पोस्टेड वीडियो ऑन माई सोशल मीडिया मुझे फैंस टैग कर रहे आचा. थे और वहां से ही लोगों ने देखा और वो वायरल हो गई तो शुरू में मुझे आइडिया नहीं था कि ये वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो जाएगी मुझे लगा कि नहीं लोग देखेंगे और पता नहीं चलेगा मैं लगाऊंगी नहीं तो खैर वो वायरल हुई और शुरू में मुझे बहुत स्ट्रेस हुआ और मैंने रिग्रेट किया इस चीज को एंड आई वाज लाइक कि मुझे नहीं करना चाहिए था मैंने गलत किया मुझे आना ही नहीं चाहिए था इस पैटर्ट में पर फिर मैंने सोचा क्योंकि मुझे इंटरनेशनली करना है और मुझे इंटरनेशनली ऑफर्स आना शुरू हुई क्योंकि आई वाज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर और पूरा वर्ल्ड वाइड न्यूज चली फ्रांस यूके यूएसए पीपल पीपल लव्ड इट इन अदर कंट्री दे लव्ड इट दे लव माय वर्क दे लव माय कॉन्फिडेंस तो उन्होंने मुझे अप्रोच करना शुरू किया काम के लिए और मुझे तो काम करना है इंटरनेशनली तो फिर मैंने सोचा कि शायद ये मैंने गलत डिसीजन नहीं लिया था शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है तो मैंने एंड आई वाज फिर मैं उसके बाद ठीक हो गई थी तो मैं मुझे रिग्रेट नहीं है कि मैंने उसमें वॉक क्यों किया है तो आपने मतलब उन प्रोस को भी पॉजिटिवली हैंडल किया है कि कोई मैं बात मैंने को नहीं आ, मैंने कोई रिस्पांस नहीं दिया मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया मैं बस इग्नोर कर रही थी नेगेटिविटी को और मुझे बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं चीज है? में और तो वो चीज मेरे लिए ज्यादा रखती है आपने आपने उसका देखा And एक बात बताइए जैसे बताया कि obviously अभी टाउन uh, uh, you know, तो जब से आपने represent किया या ठीक hmm. है भी हुआ उसके बाद जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ के जो एक्टर्स हैं आपके कलीग्स हैं उनका कैसा रिएक्शन रहा उनका कैसा response रहा मेरे सेट पे सब देवर लाइक वी आर प्राउड ऑफ यू एंड यू डिड ग्रेट और मुझे अभी तक किसी ने नेगेटिव uh, कोई कमेंट या इस तरह से डायरेक्टली नहीं बोला मुझे सब अप्रिशिएट कर रहे हैं और मुझे प्यार दे रहे हैं मतलब मेरे इट्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगेन रोमा uh, अगर हम बात करें इंडिया uh, में पाकिस्तानी ड्रामा बहुत पसंद किया जाता है, पसंद किया जाता है, right? है हम सफर, मैंने वहा जली के भी काफी yeah. सारे ड्रामाज देखे आपका फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामा कौन सा है जो आपको लगता है दिस इज माई फेवरेट और आपको इंडियन फिल्म या टेलीविजन सीरियल कौन से पसंद है अगर आप बताएं अगर आप देखती है तो हम लोग बचपन से इंडियन बॉलीवुड को बहुत पसंद किया जाता है पाकिस्तान में भी और सारे ड्रामास देखते थे कसोटी जिंदगी की स्टार प्लस वगैरह यहाँ पे लगते नहीं है तो इतने ड्रामास मैं अभी नहीं देखती हूँ लेकिन बचपन में मैं सारे ड्रामास देखती थी बिग बॉस देखती थी और सारे रियलिटी शोज देखती थी और बॉलीवुड मूवीज भी बहुत पसंद है मुझे शुरू से बॉलीवुड में काम करने का भी बहुत शौक है ओके okay. एक दिन मैं जरूर फिर और मेरा फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामा है हम सफर हम सफर मैंने बहुत शौक से देखा था उसके अलावा मैं इतने ड्रामास नहीं देखती हूँ मैं काम करती हूँ और बिजी होती हूँ टाइम नहीं मिलता देखने का लेकिन मैं अपने ड्रामा के भी क्लिप्स देखती हूँ अपनी एक्टिंग देखती हूँ ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूँ तो हाँ क्या <laughs> बात है अच्छा बॉलीवुड की आपने बात की है तो अब आपसे हम कुछ बॉलीवुड रिलेटेड सवाल तो पूछेंगे ही सो so, रोमा आपके कौन से फेवरेट बॉलीवुड एक्टर्स हैं एक्ट्रेसेस हैं जिनको आप आइडलाइज करती हैं या कोई ऐसी फिल्म जो आपको लगा यार मुझे भी ऐसी फिल्म में काम करना है वो जैसे प्लान्स बन रहे हैं बॉलीवुड में आने के मुझे काफी ऑफर्स आ रही हैं बट अभी इंडिया पाकिस्तान का क्योंकि प्रॉब्लम है और हम ट्रैवल नहीं कर सकते तो आई होप कि हम एक दिन जरूर करेंगे hmm. और मेरी बॉलीवुड मेरी फेवरेट एक्ट्रेस दीपिका पदकोन आई लव हर आई लव हर मुझे दीपिका की तरह बनना है okay. और मेरी फेवरेट मूवी है काफी मूवीज है तो मुश्किल hmm. और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जवानी फिर नहीं आनी जवानी दिवानी जवानी है दीवानी हाँ रणबीर हाँ। कपूर वाली हाँ, हाँ। मुझे इस तरह की मूवीज ज्यादा पसंद है और एक्टर्स मेल एक्टर्स कौन से पसंद है आपको बॉलीवुड में रणबीर कपूर ओके रणबीर कपूर ऋतिक रोशन एंड सलमान खान क्या okay. uh, <laughs> बात है पाकिस्तान आते हैं तो आपको लगता है उनकी ब्रांड वैल्यू और ज्यादा हो जाते हैं वर्किंग इन बॉलीवुड हेल्प देसली बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और पूरी लोग बहुत फैन है बॉलीवुड के और पाकिस्तानी पीपल आल्सो लव बॉलीवुड तो hmm. जब भी कोई पाकिस्तानी एक्टर बॉलीवुड में काम करके आता तो है उनकी ब्रांड वैल्यू डबल हो जाती है और उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है उनका बजट वगैरह डबल हो जाता है तो ऑलवेज लाइक दैट ओके तो अब ये बताइए बिकॉज अगेन यूर पेजेंट विनर और आपने इंटरनेशनली भी अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है hmm.

ओके उनको मैं बचपन से उनको फॉलो कर रही हूँ और देखती हूँ और दे आर माय फेवरेट उनको देख के मुझे पैजन में आने का शौक हुआ था जब ऐश्वर्या और सुष्मिता सेन ने विन किया था तो मेरा तब से ड्रीम था कि मैं भी मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स में जाऊँ और मुझे भी इनकी तरह बनना है तो चलिए रोमा नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज एज वी आर ऑल अवेयर कि फवाद खान इज रेडी टू मेक अ कम अगेन इन बॉलीवुड तो यहाँ के लोग भी बहुत खुश हैं sure वहां के लोग भी बहुत खुश हैं इस बात से बहुत ज्यादा हम लोग हमेशा से चाहते हैं कि पीस हो और साथ में काम करें और यह हमेशा अच्छा होता है जब भी पाकिस्तानी या इंडियन एक दूसरे के साथ काम करते हैं hmm. तो अच्छा लगता है uh, फवाद के कम से एक्चुअली बाकी लोगों का रास्ता भी खुल जाएगा इसके बाद थोड़ा बेहतरी आएगी और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स को बीच में नहीं आना चाहिए आर्ट के और दोनों चीजें डिफरेंट हैं और दोनों चीजों को डिफरेंट रखना चाहिए और मतलब सब काम करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ तो उनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और इस तरीके अच्छे तरीके से ये चीज को होना चाहिए एंड रोमा uh, अगर आपको मौका मिलेगा कि यू नो बॉलीवुड में किसी फिल्म से अपना डेब्यू करने का कोई ऐसी फिल्म जो आपको लगे कि यार ये मेरा डेब्यू होती तो कितना अच्छा होता तो वो कौन सी फिल्म होगी जिनसे रिसेंटली मैंने आ, एनिमल देखी थी हुँ? और मुझे लगता है मेरा डेब्यू जिस फिल्म से होता तो आ, मस्तानी या तो अः रामलीला ओके सो यूर अ ट्रू दीपिका फैन और आपकी फेवरेट फिल्म की बात हो है तो अगर आप हमें अपना फेवरेट डायलॉग भी बोल के दिखाएं सो दैट वुड बी अ चेरी ऑन द टॉप डायलॉग अच्छा मुझे डायलॉग याद नहीं होगा अभी डायलॉग <laughs> मुझे बाजीराव का डायलॉग याद है कि बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की थी अयाशी नहीं तो अब आप मस्तानी का कोई डायलॉग अगर मुझे सुनाए तो मस्तानी का डायलॉग एक uh... या रामलीला में लीला का या कोई भी दीपिका पादुकोण का और फॉर दैट मैटर एनी बॉलीवुड डायलॉग दैट यू लव या बचपन से आप वो हमेशा बोलती हुई आई है मैं आ, ओम शांति ओम का मुझे तो याद तो आ रहा है उस टाइम मुझे कोई और डायलॉग याद नहीं आ रहा हूं एक चुटकी संदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू एक चुटकी संदूर सुहागन के सर का ताज होता है बस क्या okay. <laughs> मैं दीपिका की तरह बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ अच्छा, okay, बहुत was. अच्छा किया है और मैं समझ सकती <laughs> तो फिल्म भी काफी पसंद है और दीपिका भी आपको काफी पसंद है तो चलिए okay. मैं रोमा आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर खेल रही हूँ आपको okay. जवाब देने हैं काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं ओके ओके सो वन थिंग अबाउट रोमा माइकल दैट नो वन आपके बारे में कोई एक ऐसी चीज जो कोई नहीं जानता जो कोई नहीं जानता

Uh, तो हम अगर हम बात करें अगेन पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में आपके फेवरेट एक्टर्स कौन से हैं और कई बार यू नो एक्टर्स जैसे बात करते हैं कि यार इंडस्ट्री में बड़ी पॉलिटिक्स होती है ऐसे होता है या इक्वल अपॉरचुनिटीज नहीं मिलती सो डू यू फील द पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री हैज बीन फेयर टुवर्ड्स यू माय फेवरेट एक्टर इज फवाद खान और एक्ट्रेस आई लाइक सबा कमर मायमा मलिक एंड uh, और भी काफी हानिया आमिर अच्छी एक्ट्रेस है सज्जल अली अच्छी एक्ट्रेस है hmm. उसके अलावा मुझे लगता है कि एक्टिंग में क्योंकि मेरा स्टार्ट है आ, बिल्कुल दो तीन साल हुए हैं मुझे तो मैं अभी सीख रही हूँ उस तरह hmm. से और मुझे लगता है कि मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और जब hmm. मैं ज्यादा अच्छा करूंगी तो मुझे और ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे hmm. तो इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी ओके सो वेरी वेल आंसर्ड एंड रोमा मेरे तो सारे सवाल खत्म हो गए हैं बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके लाइकवाइज थैंक यू सो मच सो ऑल द वजन भी आपसे बात करके आई एम Glad और मैं जब भी मुझे कभी मौका लगेगा इफ आई वर विजिट लाहौर आई विल डेफिनेटली मीट यू आई वुड लव टू मीट यू थैंक यू तो ऑल द फैंस ऑफ रोमा माइकल वो राइट नाउ रोमा माइकल को में मैं एक बार आपको फिर से बता दूं मिस ग्रैंड पाकिस्तान जीत चुके हैं 2023, 2024 फोर फिलहाल उनका एक ड्रामादार जिसमें बहुत खूबसूरत वो लग रहे हैं और आज उन्होंने अपने दिल के कई सारे राज जो है हमसे शेयर भी किए हैं सो so, जूम की तरफ से आई वु थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द्रेशियस टाइम एंड सच अफुलविंग मी today.